हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? होस्ट करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने फ़्लिपकार्ट हेल्थ से मेडिसिन ऑर्डर की है और आपको मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा कि कितना डिस्काउंट लिया, क्योंकि मैं अलग अलग से फार्मेसी से, मेड प्लस से, 1MG से, और आपकी बार मैंने फ़्लिपकार्ट हेल्थ से मंगाई है मेडिसिन और फास्ट डिलीवरी हो गई है इसकी। बहुत अच्छी डिलीवरी हुई है और बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला है, और पूरे डिस्काउंट डिटेल के साथ मैं बताऊँगा। चलिए अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कौन कौन सी मेडिसिन मंगाई और कौन कौन सी मेडिसिन पर क्या क्या डिस्काउंट मिला मुझे। चलिए ओपन करते हैं इसको। पहले यहाँ से पहले बिल निकाल लेता हूँ, आपको मैं समझाऊँगा इस बिल के बारे में, डिस्काउंट के बारे में भी बताऊँगा मैं आपको। तो इसे पहले बिल निकाल लेता हूँ, पहले इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊँ कौन कौन सी मेडिसिन आ गई। ये फ़्लिपकार्ट से मैंने दोबारा डिलीवरी की है, लेकिन नंबर मैं चेंज करते रहता हूँ ऑफ़र लेने के लिए, नंबर चेंज करते रहता हूँ, ऑफ़र ले लेता हूँ, अच्छे अच्छे डिस्काउंट ले लेता हूँ मैं। जब पूरा पूरा डिस्काउंट लेने पे बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। पहले आपको मेडिसिन दिखाऊंगा कौन कौन सी मेडिसिन मंगाई है, उसके बाद मैं आपको बिल के बारे में समझाऊंगा, कितना डिस्काउंट लिया वो समझाऊंगा आपको। तो देखते रहिए, नंबर चेंज करते करते ऑफ़र ले लेते रहते हैं। अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ, चलिए ओपन करते हैं इसे। तो हमेशा मैं नंबर चेंज करते रहता हूँ, मेडिसिन मंगा लेता हूँ। आपकी बार मैंने मेडिसिन मंगाई थी लगभग 4200 रुपये की, तो उसमें मैंने डिस्काउंट करते करते एक 18% प्लस 12% अप टू 500 रुपीज़ तक। अब मैं इसकी मेडिसिन दिखाता हूँ, चलिए मैं मेडिसिन अब निकाल देता हूँ, चेक भी कर लूँगा। मेडिसिन आ गई हमारी, ये फ़्लिपकार्ट हेल्थ का है, सही डिलीवरी कर देता, फास्ट डिलीवरी। मैंने ऑर्डर किया था 15, 16, 17, मैंने 14 डेट को करा था ऑर्डर और आज 17 है। तो ये मेडिसिन है, दो हो गए कॉम्बिगन, दो हो गए, दो डोरसन हो गए, और बाई में डोरसन तीन हो गए हैं, बाई मेट एलएस दो हो गए और कॉम्बिगन तीन हो गए। ऑफ़र ज़्यादा लेने के लिए मैगी मेडिसिन है, और ऑफ़र ज़्यादा लेने के लिए ये कुछ गलत आ गया लगा, नहीं ये सही है, अभी देखते हैं। मेडिसिन दूसरी मंगाई थी ये MRL M2 2MG में, दो आ गए। और इसके अंदर है जोमेलिसमेट 50-50 500 mg में, ये तीन टेबलेट आ गए। पैकिंग इस ये वाली जो पैकिंग है ना, ये वाली पैकिंग ना इसमें करनी चाहिए, क्योंकि मेगा प्रोडक्ट है, लेकिन जो पैकिंग करने वाले को पता नहीं चला हो कि भाई किस चीज़ में पैकिंग करना, पैकिंग इस वाले को करना चाहिए, कर इस वाले को दिया, चलो कोई नहीं। और ये दवाई मेडिसिन आई है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कितने कितने रुपये की दवाई आई, क्या क्या हुआ। देखो ये बिल्ले, तो उसका ये रिसिप्ट है, मेडिसिन जितनी लाई है मैंने उसकी रिसिप्ट है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन सी रिसिप्ट में कौन कौन सी मेडिसिन आई, ये मेडिसिन की पूरी डिटेल है। बिल अमाउंट है 3006 रुपये का अमाउंट है। 4275 रुपये की मेडिसिन ऑर्डर की थी, जिसमें सेविंग हुई है 1269 की, जिसमें 12% अप टू 500 रुपये तक हुआ था, वो मैंने पूरा 500 रुपये ले लिया है। मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा दूंगा, 12% अप टू 18% था अप टू 5000 तक, लेकिन उसमें जितना भी हुआ 18%, अब 4275 का लगाएंगे जितना होगा वो होगा प्लस 700 के आसपास, और उसके बाद 18% लगाया अप टू 500 तक, वो मैंने पूरा क्रेली ले लिया। 12% अप टू 500 था, तो वो मैंने पूरा 500 रुपये ले लिया, जबकि 4275 का अगर हम 12% लगाते हैं तो वो करीब 500 कुछ रुपये बैठता है, 513 के आसपास। तो मैंने 500 रुपये अप टू तक 500 पूरे क्रेडिट ले लिए। उसके बाद इसमें 30% अप टू सेविंग की थी, और उसके अंदर 30% प्लस 10% अप टू 150 रुपये तक था, 10% 150 रुपये आपके वैलेट में क्रेडिट कर दिया मेरे।
हेल्थ प्लस वैलेट का जो था उसमें 10% क्रेडिट करती है। मैंने 40% डिस्काउंट लिया। ये एलोपैथिक मेडिसिन हैं। एलोपैथिक मेडिसिन अगर हम लेने जाते हैं कोई तो आप मैक्सिमम 10% 15% के आसपास हमें डिस्काउंट देते हैं, लेकिन मैं 40% इस है मेडिसिन हेल्थ से लिया है, फ्लिपकार्ट हेल्थ से। वैसे मैं 1MG मेड प्लस और फार्मेसी और अलग अलग नंबरों से मैंने बहुत सारे ऑफर बटोर लिए हैं। तरीके होते हैं, आप भी बटोरिए वो ऑफ़र। जब मिल ही रहा है तो अलग अलग नंबर को, जितने भी नंबर होते हैं उस नंबर में मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन जो दवाइयाँ होती हैं वो ऑफर हो जाती हैं। प्रिस्क्राइब्ड दवाई मैं वो डॉक्टर कंसल्टेंट कर लेते हैं, फ्री में होता है तो भाई बता दिया करते हैं ये मेडिसिन है, जब हमारे पास पर्चा नहीं है तो हम कंसल्टेंट कर देते हैं। तो 29.692% सेविंग हुई, 1269 यानी जिसमें 18%, और उसके बाद वो 12% 30% पूरा मिला के 1269 रुपये की सेविंग हुई, प्लस 150 रुपीज़ जो 10% एक्स्ट्रा था वो वॉलेट में जो जमा हो जाएगा। टोटल 1400 कुछ रुपये की मैंने सेविंग करी है इस पे, 4275 रुपये की MRP पे। ठीक, तो ये है 500 रुपये। देखिए ये जो है ना 500 रुपये, ये अप टू 12% अप टू 500 था। ठीक, 500 पूरे हो गए और ये है 3000 रुपये, 6 रुपये मैंने पेमेंट कर दिए। 4275 रुपये की जो मेडिसिन थी वो मैंने 3006 रुपये पेमेंट पे ले ली। ये एलोपैथिक मेडिसिन थी, ये पूरी मेडिसिन से। और अब दोबारा कभी मंगाएंगे, मान लीजिए 2 से 3 मंथ की मेडिसिन हो गई और ये फ्लिपकार्ट हेल्थ है, फ्लिपकार्ट हेल्थ से मैंने मंगाई है। मैंने 2-3 दिन के अंदर फास्ट डिलीवरी हो गई थी, मोबाइल नंबर आ गया था और बढ़िया था, अच्छा रहा इसका रिजल्ट, मुझे लगा सही है भाई, फ्लिपकार्ट हेल्थ भी सही रह गया। और मैं ये वाली ये रिसिप्ट कौन सी है, इस रिसिप्ट में बताया है जो भी बताया है इसके बारे में ही। इस रिसिप्ट में भी उसमें MRP लिखी हुई है, कौन सी एक्सपायरी डेट कब होगी। अच्छा, ये है कंसल्टेंसी जो क्या नाम है वो कंसल्टेंट वाले जिससे बात हुई थी ना, उसने वो बता के गई है कि कौन सी डोज कब लेगी और कौन सी एक्सपायरी कब है, एक एक पीस कितने हैं ये इसमें बता दिया है, जो मिले सी है ये जो भी है एनी। तो ये है ठीक। और मैंने उसके पास वो कार्ड रहता था तो मैंने उससे ऑनलाइन यहीं पर ही, मैंने अब की बार मैं गेटवे कोई सा अपनाया नहीं कि किसी चीज़ से मैं थर्ड पार्टी से मैं उसे ट्रांजेक्शन करूँ, क्योंकि कुछ ऑफ़र होते हैं मिल जाया करते हैं, वैलेट पर ऑफर थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करा। अब की बार मैंने एक बार ऑर्डर किया था, मैंने बिना प्रिस्क्रिप्साइड के दवाई के साथ ऑर्डर किया था तो मेरा गड़बड़ हो गया था, तो मैंने इस बार कैश ऑन डिलीवरी करा। और कैश ऑन डिलीवरी ये होता है कि घर पर ही आके मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, उस पर एक कार्ड दिया उस पर पेमेंट कर दिया। तो ये हुआ। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, फ़ायदा उठाएं ऑर्डर का। भाई हम जाते हैं मेडिकल पे जाते हैं और 5% 10% के आसपास डिस्काउंट मिलता है, तो भाई 40% डिस्काउंट लिया। तो चलते हैं आगे तक, बने रहिए। ये थी फ्लिपकार्ट मेडिसिन डिलीवरी।